आज हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो यहाँ पर याचिका हिंदू पक्ष ने दायर की थी उनकी पोषणीयता पर जो मुस्लिम पक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है, हाईकोर्ट ने माना है कि यह सभी याचिकाएं सुनने योग्य हैं और इन पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हिंदूवादी लोग हैं, ये वादी हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के, इन्होंने भी याचिका डाली है दिनेश शर्मा जी, और ये एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। जी दिनेश जी, किस बारे में ये मिठाइयाँ बांटी जा रही है? देखिए, आज माननीय न्यायालय द्वारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। माननीय न्यायालय ने जो मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि यह मुकदमे चलने योग्य नहीं है, उसकी पोषणीयता पर जो सवाल उठाए थे, आए माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी मुकदमे चलने योग्य हैं। काशी के मुकदमे को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय ने मथुरा जन्मभूमि पर भी ये फैसला दिया है। ये थे हमारे पास सात वादी श्री कृष्ण जन्म स्थान के, इन्होंने यहाँ पर मथुरा में भी जो वाद डाले थे इनको यहाँ से हाईकोर्ट सुनवाई के लिए सभी जितने भी वाद थे यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए थे, और आप देख सकते हैं कि इनके मुंह में मिठाई है इस समय और ये मिठाई खा रहे हैं। हमारे साथ कुछ संत लोग भी हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामानंद। श्यामानंद जी बताइए, आज आप मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्या ऐसा है? भैया जी, माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने जो हम लोगों के पक्ष में जो फैसला किया है, जिसका हमको काफी वर्षों से इंतजार था, आज उस खुशी में हम लोग जो हमारे सनातन के हमारे ब्रजवासियों के पक्ष में जो मंदिर का फैसला आया है उसकी खुशी में हम लोग मिठाई वितरित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुंजन शर्मा। गुंजन जी बताइए, आज आप दुपट्टे डाल के और इतनी खुशी मना रहे हैं, इतनी धूप में आप, ये खुशी का माहौल? मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की जिला अध्यक्ष हूँ, और आज हम लोग यहीं यहाँ इसीलिए एकत्र हुए हैं कि आज हमें देखना था कि न्यायालय का जो फैसला है वो हमारे पक्ष में ही आए, और आज हमारी ये इच्छा प्रभु ने स्वीकार की है, और हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या की तरह बहुत जल्दी ब्रज में भी कृष्ण जी का स्थान बने और वो अपने मूल गर्भगृह में पुनः स्थापित हों। हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे पाठक जी? तीन लोग थे मथुरा न्यारी, बहुत ही एक सुंदर और क्षणिक अवसर है। आज जितनी भी खुशी हम ब्रजवासियों में, उतनी अभी तक खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये पहला मुकाम है जिसे हिंदू पक्ष ने पार किया है। द्वारकानाथ यमुना मैया कृपा करेंगी और निश्चित रूप से मथुरा में एक भव्य मंदिर बनेगा, ऐसी आशा है, आज से ये आशा दृढ़ हो जाती है। हम आपको बता दें कि ये वही वादी हैं, ये वही दिनेश चंद शर्मा हैं, इनके पैरों की तरफ जरा कहेंगे, जरा दिखाएं कि ये इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर यहाँ पर भव्य मंदिर ना बन जाएगा, जब तक मैं नंगे पैर ही रहूँगा, और आज तक ये नंगे पैर हैं। क्या दिनेश जी, अब आप चप्पल पहनेंगे? देखिए, हमने संकल्प लिया था कि जब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर औरंगजेब के पाप निशानी मस्जिद नहीं हट जाएगी, तब तक हम ना तो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो आज हमारे संकल्प की पहली सीढ़ी पार हो गई है। आज हिंदुओं में बहुत बड़ी खुशी है, हमारे सनातनी हिंदू ब्रजवासी आज बहुत खुश हैं, सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है, और ये संकल्प हमारा बहुत जल्दी पूरा होगा हमें उम्मीद है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है, और मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं है, वो किस आधार पर कह सकता है, ये अल्लाह करे। लेकिन हम कह सकते हैं, हमने न्यायालय में जो खसरा खतौनी नकल है वो जमा किए, जो पुरानी खेपेट उसी नकल जमा किए, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असिस्टमेंट, सभी हमने न्यायालय में जमा कर चुके हैं, और न्यायालय सबूतों के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। ये थे हमारे साथ दिनेश चंद शर्मा, जिन्होंने कि एक श्री कृष्ण जन्म स्थान में एक वाद डाला है, ये भी उसमें वादी हैं, और इन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान का एक भव्य मंदिर यहाँ पर ना निर्माण हो जाएगा, जब तक वो अन्य ग्रहण नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे, तो उनका कहना है कि अभी ये उनके जो प्रयास किया जा रहा था उसकी पहली सिद्धि है, पहली सफलता इनको मिली है, लेकिन ये अन्य जल जब ही ग्रहण करेंगे, पैरों में जूते चप्पल जब ही पहनेंगे, जब वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।